दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर भी आज किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और इस समय टीकरी बॉर्डर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दरअसल ये जो समय निर्धारित किया गया है उससे पहले ही यहाँ पर कुछ ट्रैक्टर्स जो हैं अब बैरिकेडिंग पर आकर खड़े हो गए हैं। भारी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर तैनात की गई है। दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब गणतंत्र दिवस की परेड समाप्त होगी और जो समय निर्धारित किया है उस समय से ही ट्रैक्टर्स को आगे जाने दिया जाएगा। लेकिन अभी तस्वीरों में आप एक ट्रैक्टर देखेंगे जो फिलहाल बैरिकेडिंग तक आ गया है। कुछ लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनको भी किसान नेता भी समझा रहे हैं और पुलिस की ओर से भी जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं वो उनको समझा रहे हैं कि फिलहाल समय शुरू नहीं हुआ है। यहाँ से अगर रूट की बात करें तो ये देखिए यहाँ से किसान आगे बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर बैरिकेड तोड़कर तमाम जो किसान हैं वो फिलहाल पैदल ही आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि काफी देर से किसान नेता और पुलिस इनको समझा रहे थे लेकिन अब बैरिकेड यहाँ पर खुल गया है और यहाँ से पैदल ही किसानों का जत्था जो है वो आगे बढ़ रहा है और इसके साथ ट्रैक्टर आपको दिखाई देंगे तस्वीरों में। ये ट्रैक्टर आगे बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो ये इस समय टीकरी बॉर्डर की तस्वीर है जहाँ तमाम किसान अब आगे बढ़ गए हैं हाथों में झंडे लेकर और इसके साथ ही ये ट्रैक्टर परेड जो यहाँ से शुरू होनी थी समय से पहले ही किसानों ने बैरिकेड को तोड़ा और यहाँ से आगे बढ़ गए। ट्रैक्टर भी आपको दिखाई देंगे तस्वीरों में और पीछे किसानों का जत्था जो है वो अब आगे बढ़ रहा है और ये दूसरा ट्रैक्टर जो अब तस्वीरों में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये मार्च जो काफी देर बाद शुरू होना था, कई घंटों बाद शुरू होना था, फिलहाल शुरू हो गया है और तमाम जो यहाँ से किसान हैं अब वो आगे दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए अब ये जो रूट है यहाँ से नांगलोई की तरफ किसानों को जाना है और यहाँ से किसान पहले ही आगे बढ़ गए हैं और यहाँ पर रूट खोल दिया गया है टीकरी बॉर्डर पर। अब ये जत्था जो है धीरे धीरे नांगलोई बढ़ेगा। जो रूट दिया गया है उसके मुताबिक नांगलोई से आगे बढ़ते हुए केएमपी एक्सप्रेस वे तक इन लोग को जाना है और फिर वापस जब नजफगढ़ होते हुए केएमपी एक्सप्रेस वे और वापस टीकरी की तरफ आना है। लेकिन समय से पहले यहाँ से किसान चल पड़े हैं, यहाँ से ट्रैक्टर चल पड़े हैं और पीछे की तरफ आपको तस्वीरें दिखाएं यहाँ पर ट्रैक्टर्स निकलना जो है एक के बाद एक शुरू हो गए हैं। तो अब जो समय था उससे पहले ही यहाँ पर भी ट्रैक्टर्स और किसानों का निकलना शुरू हो गया है। ये परेड शुरू हो गई है और भारी संख्या में यहाँ से किसान जो है वो अब आगे बढ़ रहे हैं। तो जो रूट और जो समय टीकरी बॉर्डर पर दिया गया था बैरिकेडिंग तोड़कर फिलहाल किसान आगे निकलना शुरू हो गए हैं और अब एक लंबा रूट है। अभी यहाँ से किसान पैदल ही चल पड़े हैं लेकिन क्या तमाम रूट जो है जो दिया गया है उसको फॉलो किया जाएगा ये भी एक चुनौती होगी पुलिस प्रशासन के सामने। और यहाँ से तमाम जो क्रेन्स और भारी सुरक्षा व्यवस्था भारी संख्या में सुरक्षा कर्मी जो तैनात किए गए हैं वो भी किसानों को इसके आगे एक और बैरिकेड है जहाँ रोकने की कोशिश की जाएगी क्योंकि अभी समय शुरू नहीं हुआ है। लेकिन अब ये जरूर लगता है कि रोक पाना मुश्किल होगा क्योंकि जिस संख्या में यहाँ से लोग आगे बढ़ना शुरू हुए हैं वो वाकई यहाँ पर इनको रोकने की कोशिश की गई और वो नहीं रोका जा सका। तो ये वाकई अपने आप में एक चुनौती होगी और अब देखना ये होगा कि क्या जो रूट तय किया गया है उसी रूट को का पालन करते हुए उसी रूट को फॉलो करते हुए ये किसान यहाँ से आगे बढ़ते हैं या स्थिति बेकाबू भी हो सकती है। लेकिन एक बड़ा दिन है आज देश की सुरक्षा के लिहाज से भी और देश के किसानों के लिहाज से भी। किसान जो 65 दिन से आंदोलन पर बैठे हैं और देश अपना गणतंत्र दिवस आज मना रहा है तो ऐसे में दोनों को ही सामंजस्य बैठाकर इस पूरी आंदोलन को इस पूरे मूवमेंट को शांतिपूर्वक तरीके से निपटाना है और उम्मीद है कि ये उसी शांति के साथ खत्म होगा। देश के जवान और देश के किसान दोनों ही आज एक दूसरे का साथ निभाते हुए इस पूरी ट्रैक्टर मार्च को इस पूरी ट्रैक्टर रैली को अंजाम देंगे। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज दिल्ली।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।